सब जानना चाहेंगे, एक सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की, क्या मामला है और आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार का पक्ष किस तरीके से रखेंगे इस मामले में? देखिए, इस समय हमारे सरकार की प्राथमिकता है, मिशन शक्ति अभियान चल रहा है और मिशन शक्ति अभियान के तहत प्राथमिकता है सरकार की कि अधिक से अधिक अभियुक्तों को दंडित कराया जाए और जो अपराध महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति घटित हो रहे हैं, उन अपराधों में अभियुक्तों को सजा मिले, अच्छी विवेचना हो। तो जनपद बरेली की पुलिस ने बड़ी अच्छी विवेचना करके चार्जशीट प्रेषित की, थोड़ा बहुत गवाहों के बयान में अंतर आया, लेकिन कड़ी से कड़ी हमारे वहाँ अभियोजन के जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने जोड़ करके गवाही पूरी कराई और बहुत अच्छी बहस हुई। और हमारे एडीजी अभियोजन का ये नेतृत्व में सफल रहा है, अभियुक्तों अर्जुन का वक्त सजा हुई है। तो ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सजा कराई जाए। तस्करी मामले में, दो बहनों की तस्करी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस मामले को देखा गया और कितनी तारीखें पर पूरी हुई? ये हमारे जनपद बरेली में ASTU थाना बरेली में पहला मामला दर्ज हुआ था, मुकदमा अपराध संख्या 1/2013 पे, और इसमें अभियुक्तगण थे कल्लू, रईस, इकबाल, श्रीमती गुलशन, जहांगीर व रेशमा, 6 अभियुक्त थे। इन 6 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, बाद विवेचना इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था और ये थाना ASTU का मामला था। और ये जो है घटना जहाँ से पीड़िताओं को बरामद किया गया था, हुआ ये था कि 6/5/2013 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से अपहरण करके लाई हुई कुछ लड़कियां गांव चुरई दलपतपुर थाना मीरगंज में मौजूद हैं। तो इस सूचना पर जो उप निरीक्षक बाबूराम थे उन्होंने वहां पर दबिश दी और वहां पर जो है चुरई दलपतपुर में एक कमरे से 2 लड़कियों को बरामद किया, जिसमें एक की उम्र लगभग 13 वर्ष व दूसरे की 10 वर्ष थी। वो मिली, वह 4 व्यक्ति मिले व 2 महिलाएं वहां पर बात करते हुए मिले थे, 6 व्यक्ति ही जिनको भी सजा किया गया है ये वहां पर मिले थे। और इनको जो है ये दोनों पीड़िताएं ये अपहृत करके बाहर से ये बहला फुसला के लाई गई थी। तो इनके यहां से जो बरामद हुई तो ये इनके यहाँ कैसे आईं, क्यों कर लाई गई थी और कैसे रह रही थी, इसका ये स्पष्टीकरण कोई भी न्यायालय में नहीं दे पाए। ये भी सही है कि पीड़िताओं ने जब न्यायालय में अपना बयान दिया तो वो अभियुक्तगणों को पहचानने से और वह अपने साथ कोई बुरा काम करने से मुकर गईं और उन्होंने हमारे अभियोजन साक्ष्य का समर्थन नहीं किया था। लेकिन हमने शेष अभियोजन साक्ष्य से कड़ी भिड़ाते हुए सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना सहित सजा कराने में हम सक्षम हुए। और अभियोजन ने हमारे जो एडिशनल DEC रीतराम राजपूत जी देख रहे थे, जो मेरे निर्देशन में ही काम कर रहे थे, और मैं इस पत्रावली को लगातार खुद भी सतत जो है इसकी जो है निगरानी कर रहा था और उन्हें डायरेक्शन दे रहा था, तो उसके प्रयास से ये सब कुछ सफल हो पाया और तभी इन सारे अभियुक्तों को सजा हो पाई। क्योंकि जहाँ पर पीड़िताएँ ये घटना का समर्थन न करें वहाँ पर जो है सजा कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन पीड़िताओं ने अभियुक्तगणों को पहचानने से भी न्यायालय में इनकार कर दिया था। लेकिन हमने इसके बावजूद, क्योंकि पीड़िताओं की बरामदगी वहीं उनके घटना स्थल से हुई थी, चुरई दलपतपुर के गांव से हुई थी, तो वो अभियुक्त भी चहो वहीं से पकड़े गए थे उन पीड़िताओं के साथ में। तो जो पीड़िताएँ थीं वो बाहर की थी, तो उनके यहाँ वो कैसे आईं और क्यों कर रह रही थी इसका कोई स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाए। और बलात्कार की पुष्टि एक पीड़िता के साथ में मेडिकल जो उसका कराया गया था उससे हुई थी, जिसको भी हमने उसको साबित किया। कितने गवाहों के बयान कराए गए थे? मैं बता रहा हूँ आपको, ये सजा हमारे पाक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश स्पेशल जज रामदयाल जी के मेन कोर्ट से हुई है, पाक्सो मेन कोर्ट से सजा हुई है ये 6 अभियुक्तों को। और ये जो सजा हुई है वो हुई है 370 का 376 भारतीय दंड संहिता व धारा 4, 6 व 17 पाक्सो अधिनियम व 6(1)ITP अधिनियम में सारे अभियुक्तों को सजा की गई है। 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, किस तरीके से देखते हो कितनी मजबूत पैरवी सरकारी वकीलों के द्वारा की? ये मीरगंज का मामला था जो कि ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का जो उस टाइम में थाना बनाया गया था उसका पहला मुकदमा 2013 में पंजीकृत किया गया था। और उस वक्त एक घर में
छापा मारा गया था, तो वहाँ पर दो नाबालिग लड़कियाँ जो 10 से 12 साल की थी, जो पश्चिम बंगाल से लाई गई थी, और उनके साथ वहाँ पर 4 पुरुष और 2 महिलाएँ उस घर में मिली थी, और इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार वहाँ पर कराया जा रहा था। तो छापेमारी के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत और बलात्कार के अंतर्गत और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जब चार्जशीट लगाई गई तो उसके उपरांत इसमें न्यायालय में इसका जो ट्रायल है वो शुरू हुआ, और अभियोजन पक्ष के द्वारा इसमें प्रभावी पैरवी की गई, जिसके कारण से जो 6 के 6 लोग हैं उनको आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा इसमें सुनाई गई है, और इस पूरे प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। पूरा अभियोजन हमारे जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हम सभी लोग जो हैं अच्छी तरह से जो कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है जब से ये मिशन शक्ति शुरू हुआ है सर, करीब 1-1.5 दिन से अधिक लोगों को सजा सुनाई है। रखा का मतलब मिशन शक्ति आता, इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। हाँ, जो भी अपराध घटित हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, इसमें हमारी पुलिस भी सख्त है। हमारे कैसे उसको उन्हें समझा के सुकून दिया जाना है, क्या कहलवाया जाना उसे, क्या नहीं, जो भी मामला सेशन में महिलाओं के प्रति चलता है या बालिकाओं के प्रति। अभियोजन के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के हर जनपद में महिलाओं के प्रति जो अपराध घटित हो रहे हैं या बालिकाओं के प्रति जो अपराध घटित हो रहे हैं।